रजत पथ से हम जा रहे हैं हुंडई के शोरूम, चलते हैं देखना ये होगा हम कौन सी गाड़ी लेते हैं। नए हैं चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। और सारे यार दोस्त सारे लपंडरों के साथ जा रहे हैं हम गाड़ी लेने। न्यूज़ में गुरुंडे के शोरूम में पहुंच चुका है। शोरूम का नाम है मोरानी मोटर्स कुछ करके हुंडई। और लोकेंद्र भाई से आपको मिला देते हैं। भाई कैसा है? एकदम एक नंबर, मजेदार ना। तो भाई ये गाड़ी है अभी हमारे सामने i10 न्यूज, जो कि 7 से 8 लाख के बजट में है। ठीक है, ये वाली रेंज से अगर कोई कार लेना चाहता है तो एकदम प्रीमियम कार है और बढ़िया है भाई। डैश वगैरह में काफी सारे अपडेट कर दिए, बट इसमें स्क्रीन नहीं है। बहुत तो छोटी सी स्क्रीन है, एकदम इतनी सी स्क्रीन है भाई, इतनी सी यार, क्या स्टॉप वॉच भी नहीं होती यार। इससे बड़ी तो मेरी घड़ी यार, अभी नहीं ली है भाई मैंने। ये देख रहे हो गाड़ी कौन सी लेनी है ना, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक है, सामने i20 N लाइन जो कि एकदम स्पोर्टी लुक में एकदम लेटेस्ट है। Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants to, you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. So guys, finally new car is here. अभी शोरूम से जस्ट निकल रही है। लोग क्या जान लो कि कैसी लगी गाड़ी पर्सनली, ये बताओ। बहुत शानदार है यार। हाँ ये है ना, हमने गाड़ी फाइनली ली है। क्रेटा का जो बड़ा भाई है ना, उसको लिया है हमने। बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई होता है। तो ऋतिक गाड़ी को निकाल रहा है। यहाँ पे बात चल रही थी कि भाई शोरूम के खुद बंदे निकाले, बट नहीं यार, खुद अपना बंदा निकालेगा ना तो अलग ही वाइब आएगी। मैं भी निकाल सकता था लेकिन मेरे को शूट करना था। ये हमारा भाई प्रीमियम मॉडल है, टॉप मॉडल पे हमने ये गाड़ी ली है और फुली विद एसेसरीज ये मैंने गाड़ी ली है। अभी मेरा इसमें हाईवे ड्राइव का एक्सपीरियंस रहने वाला है, जो कि 150 से 200 किलोमीटर तक का रहेगा, जयपुर टू अलवर का। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या रहता है, सब कुछ। और ये गाड़ी आपके सामने है विद फुली डायनामिक अलॉय रिम एंड 7 सीटर कार ये है, एंड 360 कैमरा और बोस के इसमें म्यूजिक प्लेयर जो हम रास्ते में सुनने वाले हैं। और गाइज इसके काफ़ी ज़्यादा मैंने फोटोज और छोटे छोटे से मतलब वीडियोस क्रिएट किए हैं, जो कि मैं रील पे डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, तो ये देख सकते हो। बाकी शोरूम के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो बाद में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार गाड़ी अपनी पूरी रोड पे पहुंच जाए, रोड पे पहुंचने के बाद मैं घर पे पहुंच जाए, 150 किलोमीटर हमारा हाईवे पे पूरा जर्नी हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी का भाई ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। मतलब कहते हैं ना कि ओनर के रिव्यू क्या है, वो हम करते हैं, उसके बाद में शोरूम का रिव्यू हम बाद में करेंगे। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहाँ पे हम इसका पूरा कम्प्लीट शूट कर पाए। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय। हम बाहर निकलेंगे गाड़ी में से और बाहर से हमारा इंस्टा सूट हाई भाई वह। तो ये देख रहे हो भाई, जवाहर सर्किल पे हमने हमारी गाड़ी लगा दी है और एक नंबर वाइब आ रही है, मतलब नई गाड़ी के साथ में। और नई गाड़ी की जो भाई स्माइल होती है ना, वो मेरे को एक नंबर लगती है, मतलब ना। भाई
जैसा कि आप जानते हैं, हम गाड़ी तो ले चुके थे, फिर जवाहर सर्किल के बाद में हम यहाँ पे गणेश जी मंदिर जो मोती डूंगरी पे है, ये आप एक बार दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया है और हम हमारे शहर अलवर जाने को काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले घर ही चलने के लिए सोचेंगे। ये गणेश जी के हमने यहाँ पे दर्शन किए, माला ली, प्रसाद यहाँ से लिया हमने और अब हम चलते हैं हाईवे की तरफ। देखना ये होगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस न्यू कार के साथ में हमारा हाईवे पे। अब चलते हैं हम और सिटी का थोड़ा ट्रैफिक है उसको एग्जिट कर लेते हैं, फिर तसल्ली से ब्लॉग बनाएंगे। बने रहे वीडियो को एंड तक, जरूर देखें, चैनल बने सब्सक्राइब करें। बाकी जो भाई रील शूट किया ना, एक नंबर। हमारा और रात का काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे स्मार्ट वॉच पर टाइम क्या हो रहा है। एक सेकंड 8:41 टाइम हो रहा है अभी और काफी अच्छा हमारा सफर रहा। और अब पूछते हैं भाई को कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी? एक नंबर। कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, एक नंबर ना, बहुत ही शानदार, मजा आ गया, मजा। तो गाइस ये था हमारा अलवर तक का सफर जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब भाई थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ी की डिलीवरी बहुत अच्छी रही हमारी। अब इसके जो रिव्यू वगैरह है उसका भाई हम ग्राउंड में एक अच्छा सा वीडियो शूट करेंगे। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा यहाँ पे जो भी मेरे यार भाई दोस्त यहाँ पे जो डिलीवरी के टाइम भाई पहुँचे, भाई दिल से धन्यवाद, नाम लेऊंगा नहीं। मतलब बहुत अच्छा लगता है ना जब सब अपने लोग किसी चीज़ को लेते हैं तो सभी को दिल से बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। एंड अब मैं इस गाड़ी को पार्किंग कर रहा हूँ, हमारे घर पे ऑलरेडी एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है तो वहाँ पे पार्किंग नहीं हो पाएगी, तो दूसरी जगह मैं इसको पार्क कर रहा हूँ, एक सीक्रेट प्लेस पे। तो अब हम चलते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, देन आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने इसको ड्राइव कर लिया 200 किलोमीटर तक, तो लेट्स सी, बताते हैं आपको कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और भी बहुत सारे धमाके होने वाले हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना भाई, यहाँ के जो रील बना के डाले ना इस गाड़ी के, एक नंबर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से मिलते हैं अब अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, कमेंट छोड़ना आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड काफ़ी अच्छी हमारी मेमोरी रही आज की सभी को, फिर से मिलते हैं।